नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू और मैं हूं आपके साथ नीतू सिंह। लोकसभा इलेक्शन जम्मू कश्मीर के साथ साथ पूरे भारत में बड़ी ही शांतिपूर्वकता के साथ हुए हैं और ऐसे में जब लोकसभा इलेक्शन का रिजल्ट आया तो तीसरे टेन्योर में फिर से जो है भाजपा ने एनडीए अलायंस ने एक बार बाजी मार ली और भाजपा के जो नेता हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो तीसरे टेन्योर में फिर से एक बार प्रधानमंत्री बने, जिसको लेकर लोगों के बीच में खुशी की लहर भी दौड़ गई। लेकिन जम्मू कश्मीर में एक बड़ी जो एक क्वेश्चन मार्क था वो भी कहीं ना कहीं हट गया, जहां लोकसभा इलेक्शन के ठीक कुछ दिन के बाद ही ईसीआई के द्वारा ये कह दिया गया कि जम्मू कश्मीर में जल्द जो है विधानसभा चुनाव होंगे और उसके बाद से जो है जो अपोजिशन पार्टीज के साथ साथ लोगों का जो लंबा इंतजार था उसमें भी कहीं ना कहीं विराम लगा और लोगों के बीच में खुशी की लहर भी दौड़ गई। लेकिन ऐसे में जो है जम्मू संभाग में देखे गए कि लगातार यहाँ पर कई समय से लगातार देखा जा रहा था कि कुछ समय से यहाँ पर जो है मिलिटेंट अटैक्स की जो यहाँ पर लगातार देखने को नजर आ रहे थे, ऐसी आतंकी गतिविधियां देखने को नजर आ रही थी, जिसके कारण जम्मू संभाग में इस बार शांति में कहीं ना कहीं खलल भी पड़ी है। और आप सब जानते हैं कि 29 जून से श्री अमरनाथ यात्रा भी शुरू होने जा रही है, तो ऐसे में एक अनुमान लगाया जा रहा था कि शायद अमरनाथ यात्रा के साथ साथ जम्मू में विधानसभा इलेक्शंस को भी कहीं ना कहीं डेफर ना किया जाए। लेकिन इस समय मौजूदा स्थिति की अगर बात करें तो ये जो जितना भी इस समय सुनारियो है उसमें काफी ज्यादा ठहराव नजर देखने को नजर आ रहा है, क्योंकि हमारे सुरक्षा बल और जम्मू कश्मीर पुलिस के द्वारा ये लगातार जो इजाफा हुआ है ये मिलिटेंट्स गतिविधियों में उसमें कहीं ना कहीं कंट्रोल भी देखा गया है। तो ऐसे में जहां ईसीआई के द्वारा हरी झंडी असेंबली इलेक्शन को दे दी गई है, वहीं आपको ये भी बता दें कि जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने भी जो है कमर असली है। लंबी बैठक के बाद जो है फैसला लिया गया है, जी किशन रेड्डी को जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव का प्रभारी बनाकर प्रदेश इकाई को विधानसभा चुनाव के लिए पूरी तैयारियों के लिए उनमें जो है ताकत झोंक दी गई है, ताकि विधानसभा चुनाव में जहां बीजेपी दावा करती आई है कि विधानसभा चुनाव में वो 50 सीटें जो है वो लेकर रहेगी, ऐसे में जी किशन रेड्डी को उन्होंने प्रभारी बनाकर ये साबित किया है कि जम्मू कश्मीर में वो पूरी ताकत लगा देंगे विधानसभा चुनाव को जीतने में। आपको बता दें जी किशन रेड्डी इससे पहले भी जम्मू कश्मीर के साथ काफी लंबे समय तक जुड़े रहे हैं और शायद यही उनका जुड़े रहने का एक माध्यम जो है उन्हें वापस लेकर आया है। और जहां जी किशन रेड्डी जिन्हें जम्मू कश्मीर का विधानसभा चुनाव प्रभारी बनाया गया है और ऐसे में ये उन्हें निर्देश दिया गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है यहाँ पर कंपेनिंग की जाए। और जो इस समय अगर बात करें इस समय जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव की, तो बीजेपी अपनी पूरी ताकत लगा रही है कि विधानसभा चुनाव में 50 से ज़्यादा सीटें जो हैं वो लेकर आ सके। ऐसे में आपको ये भी बता दें कि लोकसभा चुनाव के बाद इस समय जम्मू कश्मीर में भाजपा जो है विधानसभा चुनाव की तैयारियों को तेज कर रही है और हम सब जानते हैं 21 जून को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने तीसरे बार प्रधानमंत्री बनने के बाद जम्मू कश्मीर में पहला दौरा करेंगे और वहां पर इंटरनेशनल योग दिवस पर लोगों के साथ जो है उनकी जो है साझा करेंगे और उनकी शिरकत जो है वो बराबर लोगों के साथ बनी रहेगी। आपको यह भी बता दें कि 13 जून से लेकर 16 जून तक जो है ये बैठक चली है, जिसमें निष्कर्ष निकाला गया कि जी किशन रेड्डी को जो है जम्मू का विधानसभा प्रभारी बनाया जा सके और ताकि चुनाव जीतने का जो मंथन हुआ है उसमें पूरी ताकत झोंक दी जाए कि जम्मू कश्मीर में अब जो विधानसभा चुनाव के लिए बिगुल बज चुका है उसके लिए तैयारियां जो है वो पुरजोर तरीके से इस समय शुरू हो चुकी है। तो जहां लंबे समय से लोगों के साथ साथ विभिन्न पार्टी भी इंतजार कर रही थी विधानसभा चुनाव के लिए, और ऐसे में अब जब बिगुल बज चुका है तो भाजपा के साथ साथ यहां पर अगर बात की जाए नेशनल कॉन्फ्रेंस की, पीडीपी की, कांग्रेस की, तो हर पार्टी जो है अपना पूरा जोर लगाने पे इस समय तैयार हो चुकी है, क्योंकि लंबा अरसा लगभग 10 साल के बाद जो है जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। और जहां तक बात की जाए स्टेटहुड की, तो ऐसे में इलेक्शन ऐसे में ये भी था
कि जुडिशरी के द्वारा ये कहा गया था कि 30 सितंबर 2024 से पहले पहले जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव हो जाने चाहिए और साथ ही साथ यहाँ जम्मू कश्मीर में स्टेटहुड का दर्जा जो है वो भी बहाल हो जाना चाहिए। तो ऐसे में जब ये अटकलें आई सामने कि ECI के द्वारा अब जो है हरी झंडी दे दी गई है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो आम जनता के साथ साथ डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज का भी है, वो उनका ये कहना है कि क्या इलेक्शन से पहले, असेंबली इलेक्शन से पहले जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड का दर्जा बहाल होगा। अब ये तो आने वाला समय ही तय करेगा कि जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शन से पहले स्टेटहुड का दर्जा बहाल किया जाता है या असेंबली इलेक्शन पर पूर्ण तरीके से जोरों शोरों से जो है पार्टियां इस समय अपने मैदान में उतर चुकी है और लोगों का मन मोहने के लिए, उनका मन जीतने के लिए बड़े जोरों शोरों से इस समय तैयारियां कर रही हैं। आने वाले समय में विधानसभा इलेक्शन जो है 30 सितंबर 2024 से पहले हो जाएं, ऐसा जुडिशरी के द्वारा कहा भी गया था। अब समय की रफ्तार क्या होगी, आने वाले समय में असेंबली इलेक्शन में कौन बाजी मारेगा, और जहां बीजेपी सरकार 50 सीटों का दावा कर रही है, क्या वो 50 सीटें जम्मू कश्मीर से वो ले पाएगी, इसका जो फैसला है ये तो फिर जनता जनार्दन के हाथ में है। लेकिन बड़ी बात यह है कि अब बीजेपी ने अपना जो है विधानसभा चुनाव प्रभारी जी किशन रेड्डी को इसमें मैदान में उतार दिया है, और ऐसे में देखा यह जा रहा है कि जी किशन रेड्डी, जिनका जम्मू कश्मीर से लंबे समय से जो है वास्ता भी रहा है, आने वाले विधानसभा चुनाव में क्या कुछ वो उनका असर दिख पाएगा, क्या भाजपा जहां बार बार क्लेम कर रही है 50 सीटें जो है वो ले ली जाएंगी, क्या उस 50 सीटों को पार कर पाएगी, या पिछली बार जैसे हमने लोकसभा इलेक्शन में देखा 400 सीटों का दावा करने पर जो है भाजपा जो है 300 सीट तक ही जो है महदूद होकर रहेगी, लेकिन इस बार जम्मू कश्मीर असेंबली इलेक्शन को लेकर भाजपा फिर से एक बार कॉन्फिडेंट है और फिर से उनका यह कहना है कि इस बार हम 50 की सीटें जो है वो जम्मू कश्मीर में लेकर रहेंगे। तो आने वाले समय में जनता जनार्दन किसको चुनती है, क्या फैसला लेती है, ये तो समय ही बताएगा। लेकिन इस समय की बड़ी अपडेट जो हमने आपके साथ साझा की है कि जम्मू कश्मीर में जल्द विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और स्टेटहुड का दर्जा अब विधानसभा चुनाव के बाद होगा या पहले होगा ये तो अब समय ही बताएगा। लेकिन विधानसभा चुनाव के लिए जो बिगुल बज चुका है उसके लिए भाजपा ने जो है पूरी कमर कस ली है, और ऐसे में जी किशन रेड्डी को विधानसभा चुनाव प्रभारी जम्मू कश्मीर के लिए घोषित कर दिया गया है ताकि ज्यादा से ज्यादा जो है इस पर इस समय विधानसभा चुनाव पर फोकस किया जाए, और जी किशन रेड्डी जो है वो जल्द ही जम्मू कश्मीर का दौरा करने वाले हैं, जिसमें क्या कुछ आने वाले समय में वो तैयारियां करेंगे उसके बारे में भी चर्चा होगी। तो क्या कुछ कहना है आपका इस वीडियो के बारे में, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और तब तक जुड़े रहिएगा ग्रेटर जम्मू के साथ, और साथ ही साथ ये जरूर बताइएगा कि आने वाले समय में विधानसभा चुनाव में आप क्या कुछ जो है सरकार की तरफ से तैयारियों को देखते हैं। तो अपनी कमेंट जो अपनी राय जो है वैल्यूएबल राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, कैमरामैन अजय साडू के साथ मैं नीतू सिंह ग्रेटर जम्मू के लिए, धन्यवाद।